हर्बल एंड मिलेट्स पॉइंट बेगूसराय की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बंधुओं, मैं स्टॉप टीवी स्टूडियो के माध्यम से आपसे रूबरू होता रहता हूं और आपके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहता हूं और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आप विभिन्न तरह के अंग्रेजी दवाइयों से जितना अधिक से अधिक बच सकें। मेरा आवास या क्लिनिक बेगूसराय रेलवे स्टेशन के पश्चिम केबिन के निकट बाघा में है और वहां मैं आहार पद्धति से चिकित्सा किया करता हूं और उस चिकित्सा के क्रम में आपको मैं प्रयास करता हूं कि आपको हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के चक्कर से अधिक बचा सकूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं जिसके शिकार लगभग 50-70% लोग रहते हैं आजकल, और वह है रक्तहीनता, जिसको एनीमिया भी कहते हैं। होता क्या है कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उसका स्तर घट जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा होमोग्लोबिन कम हो जाता है और होमोग्लोबिन के कम होने से रक्तहीनता या रक्ताल्पता या एनीमिया जो कहिए वो हो जाता है। यह विटामिन बी के कमी से भी होता है, आयरन की कमी से होता है। आयरन, इसको आयरन ही मोटा मोटी कहते हैं। आयरन की कमी तो होना स्वाभाविक है भाई जी। हम लोग किसी जमाने में कुएं, नदी, तालाब, झरने के पानी पिया करते थे। क्या हो गया कि उसमें बहुत सारे विषाणु हैं, जीवाणु हैं, कीटाणु हैं और क्या क्या है कह के लोगों ने वो चापाकल गड़ाया जिसमें लोहे के पाइप का इस्तेमाल किया, लोहे के फिल्टर्स रहे और लोहे के पंप लगे। और कुछ दिन तक जब करोड़ों करोड़ों का व्यवसाय हो गया उद्योगपतियों का, तो फिर बात आई, अरे रे 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 रे, इसमें तो आयरन बढ़ गया, बहुत ज्यादा आयरन आता। अरे बंधु, लोहे का पाइप है, लोहे का फिल्टर है, लोहे का पंप है, तो उससे आयरन नहीं निकलेगा तो गोल्ड निकलने की कामना करते हैं क्या आप? तो चलो भाई उसको हटाओ, अब एक ऐसा लाओ जो आरओ रिफाइन वाटर है, और वो खास करके वो जो पानी आता है बोतल बंद डब्बे में, उसके सारे मिनरल्स निकाल लिए जाते हैं और मिनरल्स के निकालने के क्रम में आयरन की भी कमी हो जाती है। तो जो आरओ का पानी पीते हैं, जो बोतल का डब्बे का पानी पीते हैं, उनके शरीर का आयरन के कम होने की संभावना बहुत अधिक है। और सरकार क्या करती है, आयरन की गोलियां बंटवा रही है गांव गांव में। जो आपका आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो आयरन की गोलियां घरे घर बांटती है, आयरन कम करके आयरन की गोलियां बंटवाओ। तो ये क्या तमाशा है? तो बंधुओं, मैं आपको खान पान से ही आपके आयरन को ठीक करने की बात करने जा रहा हूं। अगर आपका होमोग्लोबिन का स्तर जो होता है जब आप जांच कराएंगे, तो पुरुषों के लिए जो होता है वो 13.5 to 17.5, यानी 13.5 से लेके 17.5 प्रति डेसीलीटर, ये होमोग्लोबिन का स्तर है। महिलाओं के लिए 12 से 15.5 प्रति डेसीमीटर। जब इस रेंज से नीचे आ जाए, हम लोग जब नीचे आ जाते हैं तो शरीर में थकान, सांस फूलने की प्रक्रिया और चक्कर भी आने लगता है। हमने पहले भी कहा कि विटामिन बी की कमी भी हो जाती है और महिलाओं में खास करके ये ज्यादा होता है। खास करके उसका कारण है मासिक ऋतु चक्र और गर्भावस्था। वैसी स्थिति में 60-70% महिलाएं इस रोग से संक्रमित होती हैं, प्रभावित होती हैं। क्या बताएं? और ये इसका कारण दूसरे भी लोग बताते हैं, ये वंशानुगत भी होता है, विषाणु संक्रमण से भी होता है, पुराने रोगों के कारण और कैंसर के कारण भी होता है। और इसकी चिकित्सा की बात हम करें तो सबसे पहले तो इसकी आहार की चिकित्सा की बात करें।
आहार में मुख्य रूप से फिर हम आ जाते हैं उसी मिलेट्स पर। मिलेट्स के क्या होता है कि मिलेट्स जो होते हैं वो अनाज होता है, इस पर बहुत सारी बातें हो चुकी है। और जो निगेटिव मिलेट्स होते हैं, चावल, गेहूं, चीनी और दूध, हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। और इससे मुक्ति पाने के बाद आप अपने आहार में कोदो, सामा, कुटकी, कंगनी और ये हरी कंगनी वगैरह प्रयोग करें, और खास करके रागी, ज्वार, बाजरा, खैर ये सब तो अलग चीज है। तो पहले मैं ये जो आपके पॉजिटिव मिलेट्स है उसी की चर्चा मैं करूंगा। आप 3 दिन कोदो का प्रयोग करें। कोदो का प्रयोग कैसे करेंगे ये आप अलग, कोदो पर हम विषय पर हमने आपसे बात की है। सामा 3 दिन, और ये एक से अधिक बार, 3 बार तक भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके दिन भर खाएं, और बाद में कंगनी, कुटकी और हरी कंगनी को एक एक दिन करें, तो 6-3-9 दिन का चक्र चलेगा, और इसी चक्र को बाद में दोहराएं। अगर काढ़ा की बात करें, काढ़ा तो हमारे जीवन में और हमारे औषधि के रूप में बहुत अधिक प्रयोग होता रहा है, हमारे वो काफी पौराणिक काल से, आयुर्वेद के ख्याल से भी। तो हम प्रातः काल आंवला, अमरूद या बीट रूट का रस का प्रयोग करें, और शाम में करी पत्ता, जिसको मीठा नीम भी कहते हैं, वो 20 ले लें, और 1 गिलास छाछ, दूध को हम परहेज करने के लिए कहते हैं, लेकिन दही छाछ का प्रयोग कर सकते हैं, छाछ के साथ इसका प्रयोग करें। और इसके 1 घंटा जो भोजन होता है रात्रि का, जिसको डिनर कहते हैं, उसे 1 घंटा पहले करें। उसके अलावा आप अनार, आंवला तो हमने कहा ही, संतरा, अंजीर, और देखिए पालक, सेब, चुकंदर, टमाटर, गोभी, मांसाहार भी ले सकते हैं। कुछ लोग इसके खिलाफ भी है जो मांसाहारी नहीं है, लेकिन मांसाहार ले सकते हैं, इससे भी आपके आयरन बढ़ेगा। हरी और पत्तेदार सब्जियां आप देखिए, परहेज थोड़ा किससे किससे करना, चिप्स मत खाइए, अचार मत खाइए, तली भुनी हुई चीजें मत खाइए, फाइटेट्स जिसमें फाइटिक एसिड होता है उसके बारे में मैं बता रहा हूं, और उसके बाद खट्टे और नमकीन चीजों से परहेज कीजिए। ये फाइटिक एसिड जो है वो फलियों में होता है, मटर में, बीन्स में, साबुत अनाज में, नट्स में और ब्राउन राइस में। तो ब्राउन राइस कभी कभी हम लोग अलाउ भी करते हैं अपने मरीज को, लेकिन कभी कभी ब्राउन राइस से परहेज करने की बात करते हैं, एनीमिया वाले तो परहेज ही करें। और इस तरह से आप देखते हैं बिना अंग्रेजी दवा के आप एनीमिया से मुक्ति पा सकते हैं, और आप मेरे ख्याल से आरओ पानी छोड़ दें। आप चापाकल या कुएं का पानी पिए, चापाकल के पानी को ही गर्म करके फिर ठंडा करें, घड़े में रखें पिए, और तब देखिए आपके स्वास्थ्य फिर से ठीक हो जाएंगे, आप एनीमिया के शिकार नहीं रहेंगे। हम लोग जितना अधिक अपने को तरक्कीशील, प्रगतिशील, आधुनिक रूप से बदलते चले जा रहे हैं, उतना अधिक बीमार होते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपके स्वास्थ्य के लिए उचित सलाह देता हूं। देखिए होता क्या है, अपने यहाँ अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी दवाओं के प्रति ऐसी आसक्ति है कि लोग इसके बगैर नहीं रह सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आग्रह करता हूं कि अगर ये आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के लिए शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और जब इसका इस्तेमाल करें आपको लाभ बुझावे तो आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें, ताकि औरों को भी इससे प्रेरणा मिल सके। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।